अरे भैया कहाँ जा रहे हैं? कुछ है बेटा, तुरंत आ रहे हैं, कुछ जरूरी काम है, काम निपटा के आते हैं। चलिए ठीक है। गुड्डू का फोन करो। पंडित जी, हवन का तैयारी शुरू कीजिए। समझ में नहीं आता क्या करें, इतनी दुविधा तो कभी नहीं रही मन में। एक तरफ गुड्डू जी का व्यवहार हमें दुख दे रहा है और दूसरी तरफ मन में अजीब सी बेचैनी हो रही है। पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बहुत कुछ खो बैठेंगे। हे ईश्वर, हमारी सहायता करो। सारे बंधन तोड़ के यादों को तन्हा छोड़ के मैं गम से रिश्ता जोड़ के जाऊं कहां। अब सारे बंधन तोड़ के यादों को तन्हा छोड़ के मैं गम से रिश्ता जोड़ के जाऊं कहां। नमस्कार। देखो ये दुकान हमारे दामाद की है। हाँ, मोबाइल सुबाई का जो भी सामान चाहिए यहीं से लिया करो। ये भी कोई कहने की बात है। हाँ, कोनो धोखाधड़ी नहीं होगा। लेकिन हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारे साथ गुड्डू जी ने बहुत बड़ा धोखा किया? साला, जितना तुम्हारे पास आने की कोशिश की उतना ही तुमसे दूर होते। हमने कभी सोचा नहीं था कि तुमसे बिछड़कर हमको इस तरह जाना पड़ेगा। जर्रे जर्रे में यहाँ दोस्तों के साथ के पल कुछ हंसी कुछ गमजदा सब हुआ। छोड़ के मैं गम से रिश्ता जोड़ के जाऊं।
से यहाँ, अब न जाने वो कहाँ है था जो मेरा आशियाँ। रब मेरे मुझको बता है, दी मुझे क्यों ये सदा। अब सारे बंधन तोड़ के यादों को तन्हा छोड़ के मैं गम से रिश्ता जोड़ के जाऊँ। ए बिटिया, का हुआ? गुड्डू का पता चला? कहाँ है वो? नहीं अम्मा, हमने फोन तो किया पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। आया है अम्मा? अरे गुड्डू तो जब चाहिए तब आए चाहिए, लेकिन मुहूर्त का समय एक बार निकल रही है तो वापस ना ही आइए ना अम्मा, समझा करो ना आप। ए रज्जुक दुल्हन, क्या बोला था? अरे गुड्डू नहीं आवा तो उद्घाटन कैसे हुई? देखो जरा डॉक्टरनी साहिब आई है, जाके स्वागत करो ना। बेचारा तो अपनी माँ देवी का इलाज ही कर रही है। जाओ जाके स्वागत करो। जी मैम। नमस्ते नमस्ते। आप डॉक्टर साहब, वैसे ये समय तो नहीं पूछने का, लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा है। हमारी बहन महादेवी वो ठीक तो है ना? कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? अब ऐसे कैसे बताएं, इस बीच तो वो चेकअप के लिए आई ही नहीं। फिर भी हमें नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। लगता है आप भूल रही हैं, हम अपनी बहन महादेवी की बात कर रहे हैं। हाँ हम भी उसी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें बड़ी मामी ने तो बताया कि उसके बीच में तबीयत बहुत खराब हो गई थी और आपने बताया कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर ठीक से इलाज नहीं कराया तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। जब चेकअप के लिए आई ही नहीं तो ऐसा हम क्यों कहेंगे? इसका मतलब मामी ने हमसे झूठ बोला और ये सब उनकी चाल थी हमें यहाँ बुलाने की। गुड्डू जी ने कल ही रुंजुन जी के नाम के पेपर्स बनवाए थे हमसे, क्योंकि वो आपको सरप्राइज देना चाहते थे और उन्होंने फैसला किया है कि वो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। अरे गुड्डू बिटिया, रुंजन बिटिया कहाँ है? वो ना हमारे घर का आटा खत्म हो गया तो हम सोचे झट से लपक ले तुम्हारे घर से। अरे वो रुंजन तो घर पे है नहीं और हम शहर से बाहर जा रहे हैं, बहुत जरूरी काम है। गाड़ी का समय हो रहा है, हम निकलते हैं। लगता है गुड्डू किसी परेशानी में है। आए कुकन बिटवा, अब काहे का इंतजारी करत हो? चल के फीता काट लो। हम तो भैया का वेट कर रहे थे, उनका इंतजार कर रहे, जैसे भैया आ जाएं वैसे फीता कट जाएगा। आए कुकन बिटवा, अरे आ जाइए गुरुआ, समय निकल जाइए तो फिर समय तो वापस ना ही आइए ना, मुहूर्त बिता जा रहा है, चल के काट दो। अगर ये बात है मुहूर्त की तो एक काम करते हैं हम। हाँ भाभी काटेंगे फीता। रुंझुन मोबाइल गैलरी, अरे दुकान तो भाभी के नाम से है। सरप्राइज गिफ्ट देने में भैया एकदम पारंगत हो गए हैं। अरे सही कह रहे हैं आप कुकन जी। कल ही रुंझुन के नाम से पेपर बनवाए थे हमसे और हमने उनसे कहा था आपसे सफेद कागज पर साइन करवाने के लिए, क्योंकि वो आपको सरप्राइज देना चाहते थे और ये दुकान उन्होंने आपके ही नाम की है।
रखनी है, जरा दस्तखत कर दो जरा एक। ये तो खाली। घबराओ नहीं, जब सही समय आ जाएगा तो तुम्हें खुद बखुद पता लग जाएगा। ये रहे कुछ पेपर्स, आपको इन पे भी साइन करने हैं, क्योंकि वो ऐसा ही चाहते हैं और उन्होंने फैसला किया है कि वो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। क्या कहना चाहते हो वकील? कि वो गुडुआ रुंझुन की जिंदगी से अपना केस वापस ले रहा है, मतलब उसे तलाक दे रहा है और बदले में ये दुकान दे रहा है मुआवजे के तौर पे। वो गुडुआ कंपनसेट करना चाहता है हमारी रुंझुन की जिंदगी को इटट पूंजिया दुकान से। ए विष्णु, जवान संभाल के बात नहीं कर सकते हो का? जब देखो तब गलत सलत बोले का है। हमरा गुड्डू का है ऐसा करिए? गुड्डू रुंझुन का तलाक नहीं दे क्या? अरे आप लोग हमारी बात तो सुनिए पहले। अबे वकील, अपना मुंह का ढक्कन ना जरा बंद ही रखो। अरे रुंझुन बिटिया, हम तुमसे समझाए रहे ना, करिए गुडुआ के झांसे में ना आओ, लेकिन तुम हमारी बात मानी ही नहीं। देख लिया ना, अरे आज का दुर्गत बना के तुमको भाग गया गुडुआ। तो? अरे सही कह रही है मिट्टू जी, बताओ ये कैसा आदमी था, गुंडा गुंडा शुक्ला। अबे बिल्लो दीदी, हमारे भाग्य से बदला लेने के लिए धोखे से उसके साथ ब्याह किया और अब देखो कैसे तुम दबा के भाग गया। सही कह रही मामी, हम ही नहीं समझ पाए, उन्हें जो चाहिए था उन्हें मिल गया। आप लोगों की एक एक बात सही निकली, उन्होंने कभी पता नहीं होने दिया कि घर में क्या हो रहा है। गलती हमसे ही हुई, इतना भरोसा कर लिया कि अब हम तकलीफ हो रही है। ए रुंझुन चुप करा, इसका अनशन बोले जा रही है वह, ये सब साथ नहीं है, जरूर तुम दोनों में कोई गलत फहमी हुई है। एक मिनट, आप सब मेरी बात तो गौर से सुनिए। देखिए आप लोग सब गलत समझ रहे हैं, गुड्डू जी ने रुंझुन जी को तलाक नहीं दिया और ना ही वो ऐसा चाहते हैं, बल्कि वो तो ऐसा चाहते हैं कि उनकी सारी जायदाद की मालकिन उनकी पत्नी रुंझुन शुक्ला जी हैं। देखिए रुंझुन जी, ये उनकी प्रॉपर्टी के पेपर्स आपके नाम है, आपको इन पे साइन करना है। क्या कर दी, कितनी बड़ी गलती हो गई। वकील साहब, गुड्डू जी गए कहाँ? ये तो हमें नहीं मालूम। भैया कहाँ गए होंगे गुड्डू जी? अब वही तो हम भी सोच रहे हैं, और फिर कोनो अगर परेशानी थी तो कम से कम हमको तो बताना चाहिए था, हमको भी पराया करके चले गए। अरे शर्म करो शर्म, हम तुमका कह रहे हैं ना कि ये सब तुम्हारे मामा मामी नहीं बेरुपिया है, भेड़िया बन के खाए जाएंगे तुमको। और जो इंसान अपना सब कुछ तुमने झोली में डाल गया, उका ऊपर तुम लांछन लगाते हो, उका इल्जाम देते हो, अब सब खत्म हो गया। अब तो तुम गुड्डू को बिसरा ही दो, तुम यही लायक हो, यही लायक हो कि तुमका असली प्यार करे वाला तुम रात से छूट गया। आज तुम गुड्डू का ही नहीं, हमरा भी विश्वास पर पानी फेर दिया हो। नहीं अम्मा, गुड्डू जी हमें छोड़ के नहीं जा सकते। अम्मा अम्मा अम्मा, हम गुड्डू भैया को ढूंढने जा रहे हैं। रह दो कुकन बेटा, तुम इसका ध्यान रखो। अरे स्टेशन ले लो भाई।
सब बेटा बेटा रहेगा। भगवान बस रंजन को सलामत रखना, उसको कोई तकलीफ ना हो। सब कहाँ जाना आपको? अरे भाई साहब आपसे पूछ रहा हूँ। आखिरी स्टेशन का टिकट दे दो। अरे रंजन बिटिया, बड़े जल्दी में हो, क्या बात है? आंटी वो गुड्डू जी पता नहीं कहाँ। हमको पता है। कहाँ कहाँ गए? स्टेशन गए हैं। बड़े परेशान लग रहे थे। स्टेशन? आंटी आप ये बंद कर दीजिए। हे रंजन, स्टेशन ले चलिए हमको जल्दी से, जल्दी से।
हेलो चमेली, अरे हम बोलत रहे, और कैसा है, सब बढ़िया है? अरे अभी तो ऑटो रिक्शा चलात रहे। लेकिन हम तो खाने पर बैठे हैं यहाँ। अरे अभी तो तुम खाना खा लो, हम शाम में आके खाना खा लेते। भैया चलिए ना, जल्दी चलिए ना, बाद में बात कर लीजिएगा। अरे मैडम दो ही मिनट की तो बात है, थोड़ा को है ना जल्दी काम है, तो आप दूसरा ऑटो पकड़ कर निकल जाइए। ये क्या बात है, कैसे नहीं ले जाएंगे आप हमको, हम गोरी? अरे कोई कोई बात नहीं है, आप दूसरा ऑटो पकड़ लो, चले जाओ, पैसा दे दो। आप इतना पक्का मत करो, सभी से देख रहा हूँ मैं। अरे हम दे देंगे ना आपको पैसे, हम तो कह रहे हैं हमको ले। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दो पैसा दे दो, चले जाओ दूसरी गाड़ी से। क्या हो रहा, काहे परेशान कर रहे हो हमारी भांजी को? नहीं, हम कौन है? विष्णु पांडे वकील है हम, तुम्हारा रिक्शा और लाइसेंस दोनों जब्त करवा देंगे। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी। अर्जुन बेटा चलो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। नहीं मामा, देखिए हमें इस बार जाने दीजिए, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी, हमें हमारे हाथ पे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। बात तो सुनो, हम तुम्हें गुड्डू से मिलाएंगे, विश्वास करो हमारे, हम जानते हैं तुम्हें हमारी बातों का विश्वास नहीं है, क्योंकि हमने अपना बहुत मुंह रख दिया तुम्हारे साथ, हमेशा तुम गुड्डू के लिए, लेकिन रंजन हम सच्चे दिल से चाहते हैं कि गुड्डू और तुम खेले। उस दिन बाजार में लोग हमें मार रहे थे, गालियां दे रहे थे, हमारी इज्जत बचा, हम कितने नालायक है कि तुमको हमेशा गलत समझते रहे। लेकिन रंजन बेटा आज हमने अपने मन की अदालत में निश्चय कर लिया कि हम तुम्हें गुड्डू से मिलवाएंगे। मामा सच बोल रहे हैं ना? बिल्कुल सच कह रहे हैं। लेकिन लेकिन हमें स्टेशन जाना है, गुड्डू जी स्टेशन पे गए हैं। हम तुम्हें स्टेशन लेकर जाएंगे अपने गुड्डू के पास। बेटा हम तुम्हें छोड़ देंगे, चलो बैठ। ले लीजिए भाई साहब। भाई साहब कहाँ जाना आपको? अरे भाई साहब आपसे पूछ रहा हूँ, आखिरी स्टेशन का टिकट दे दो, 480 रुपया। अरे भाई लेफ्ट लेना है। लेकिन मामा ये स्टेशन का रास्ता नहीं है ये। अरे हमको पता है ये स्टेशन का रास्ता नहीं है। तो फिर? अरे सोने की चिड़िया हमारी बच्ची, ये हमारे भाग्य की तरफ जाने वाला रास्ता है। मामा आपने तो काटा कि मामा हमसे बच के नहीं जा पाओगी तुम, हमको छोड़ के स्टेशन भाग रही हो, कैसे जाने देंगे बच्ची? जब चाप नीचे उतरे सोने की चिड़िया। अरे सोलो बहुत मत छटपटा। अरे भाभी अरे कलसन वाली संभालो अपनी सोने की चिड़िया को। अरे भाभी एक कलचन वाली, हम निकल रहे हैं रज्जू भैया और बंटू भैया को लेने, ठीक है? उनको भी पता होना चाहिए, ध्यान रखना। चल 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 कभी नहीं मिल पाएंगे हमारे। दरवाजा खोलिए, कोई बचाओ हमको, कोई सुनो। अखियाँ नील सा
तुम हमारे साथ रह के खुश रही हो, बस तुम्हें खुश रखना चाहते थे। कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास तुमसे दूर जाने के सिवा, बस सारी जिंदगी एक बात का गुमान रहेगा कि कभी तुम्हारे मुंह से सुन नहीं पाए कि तुम भी हमसे उतना ही प्यार करते हो जितना हम तुमसे करते। तुमसे एक बात जरूर कहेंगे जो कभी तुमके सामने तुम्हें नहीं कह पाए, हमेशा अपने बारे में सोचना, दूसरों के बारे में नहीं, और खासकर अपने मामा मामियों की बात कभी नहीं सुनना। सारे कमीने हैं, कभी तुमके भलाई नहीं सोच सकते, इसलिए हमेशा अपने बारे में सोचना, अपने मन की सुनना, जो तुम्हें सही लगे तुम वो करना। भैया 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 स्टेशन चल रहा है, चलिए जल्दी। चला गया तो भाई का जिंदगी सुन हो जाइए, नरक हो जाइए, और फिर से वो अपन मामा मामी के जाल में फंस जाइए। हमने बिटिया का सुहाग से वो कब मिलाई दो प्रभु, ओके जिंदगी में बहुत अंधेरा है और अंधेरा ना कर प्रभु, कृपा करो। अम्मा ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि गुड्डू भैया बिना बताए कहीं चले गए। का बताए बेटा, तो देखा देखा विपत्ति आ गई। हम क्या कह रहे थे अम्मा कि अम्मा देवी की तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है, तो आप जरा उसको संभालिए और हम गुड्डू भैया को ढूंढने के लिए जाते हैं। और भाभी पता नहीं कहाँ भटक रही होंगी। I'm gonna make you mine.
भटकी। हम जानते हैं तुम हमें ढूंढ रही हो, हम जानते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हमें, कोई फायदा नहीं रंजन। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम हमारी सजा है कि हम दोनों अलग रहे। इसलिए तो जा रहे हैं। गुड्डू जी मत जाइए। देखिए, हमें जो सजा देनी है दीजिए। हम मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। नहीं रंजन, भूल हमसे हो गई, इसलिए तो जा रहे हैं। हमें जाना था तुम। देखिए, हम आपको कैसे विश्वास दिलाएं? कैसे विश्वास दिलाएं? हमारी सारी गलतफहमी मिट गई है। कौन सी गलतफहमी? हमको भी तो पता लगे जरा। मामा मामी की बातों पे विश्वास किया, आप पे भरोसा नहीं किया। गुड्डू जी, सच तो ये था कि हम गलत थे। गलत हम थे, इसलिए तो जा रहे। तुम एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से, तुम वापस चले जाओ। साला हमारे रिश्ते की बुनियाद ही खोखली है, पूरा वजूद ही खोखला। नहीं गुड्डू जी, हमारे रिश्ते का वजूद प्यार है। आप हमसे प्यार करते हैं, हम जानते हैं। साला ये तो परेशानी है, अब तुमसे प्यार करता हूं तुम जानते हो इस बात, पर तुम नहीं। आप गलत समझ रहे हैं गुड्डू जी, आप गलत समझ रहे हैं। रुक जाइए, हम आपसे प्यार करते हैं गुड्डू जी।
गुड्डू जी। Rang, 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 rang